बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि ये मतलब समझे मार्केट आवर के शुरू में ही मैं बना रहा हूँ, तो एक्चुअली ये जो इसकी क्लोजिंग है एक ये सॉरी इसको मैं जो दोबारा से इसकी जो मैंने ये सपोर्ट की सर लाइन बना के रखी है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, क्लोजिंग ये एक एक्स्ट्रा कैंडल है, ये इसमें जरा सा आ जाता है जब मार्केट आवर शुरू होने वाला होता है तो एक और कैंडल बन जाती है। एक्चुअली ये इसकी क्लोजिंग है 14 रुपए के अराउंड, ठीक है। और एक इसमें यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर डोजी बना। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरे साथ जो है वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ सीखते भी हैं, तो उनको मैंने बताया था अगर लोअर साइड पे, वैसे तो अगर ये नीचे बनता ये तो काफी चांसेस है, लेकिन अभी भी ये लोअर साइड पे ये इन्वर्टेड हैमर डोजी बना हुआ है। इसकी कन्फर्मेशन और निगेशन दोनों जरूरी है। अगर निगेशन कोई बुलिश कैंडल के साथ होती है, एटलीस्ट ये मैंने एक इनिशियल ब्रेकआउट बनाया हुआ है 1450 का, तो यहाँ पे अगर कोई मतलब समझी ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग आती है, फॉर सपोज 15 रुपए पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है, 15 रुपए पे क्लोजिंग आती है और ये 1450 सस्टेन करता है, क्योंकि पहले भी ऐसी हुआ था कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे इसने ये वाला एरिया ब्रेकआउट किया था। इसका एक ये रेजिस्टेंस एरिया है और एक ये रेजिस्टेंस एरिया, जो दो रेड मैंने बनाई हुई लाइन ये इनिशियल ये आवली चार्ट पर है, तो ये शॉर्ट ग्राफ पर बनाई हुई मैंने, ये इनिशियल ब्रेकआउट है, देखें ब्रेकआउट वाला, फिर इसकी निगेशन हुई डार्क क्लाउड कवर। अच्छा डार्क क्लाउड कवर का भी बता दो, रिजेक्शन के साथ आया है अपसाइड पे, तो यहाँ पे देखें इसकी क्लोजिंग थी यहीं, इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया 1590 के अराउंड और फिर वहां से हमने रिजेक्शन विटनेस किए, तो रिजेक्शन के साथ आया डार्क क्लाउड कवर। तो इसका जो समझे ये वाला 1546 में आपको बता दूं यहाँ से इसकी जो क्लोजिंग आई है, यहाँ पे मैं एक ये बना देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला 1547 या 1550 समझ ले, इसके ऊपर फिर सस्टेन करना, क्योंकि फिर इसकी निगेशन हो जाएगी। डार्क अक्सर ऐसा हुआ है कि डार्क क्लाउड कवर बनते हैं और डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल होता है जो उसने पूरा किया अपना, अकॉर्डिंगली चला है उसके, यहाँ पे बना और यहाँ पे देखें इसकी कन्फर्मेशन हुई है। तो लेकिन अक्सर मैं जो मेरा मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी जो जो मैंने प्रैक्टिस किया है उसमें यही आता है कि अगर डार्क क्लाउड कवर बनता है, ठीक है, और इसके बाद जो इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें अच्छा खासा गेन भी आता है। मतलब फॉर सपोज अगर इसका यहाँ पे, पहले तो मैं आपको इनिशियल ब्रेकआउट बता दूं 1450 है, फिर इसके बाद 1550 है, 1550 सस्टेन करेगा तो ये फिर आगे जाके इंशाल्लाह जैसे 20 रुपए पे ये पहले ये इसने रेस्ट किया था, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ इसका ये वहां पे 20 रुपए बार बार जो है यहाँ पे ये रीटेस्ट कर रहा था, ये इसका रेस्टिंग एरिया था यहाँ पे वहां पर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये हम आने वाले दिनों में हम 20 रुपए देख सकते हैं, ये इसका टारगेट हो सकता है, इसको मैं जो है अलग से कलर दे देता हूँ, ठीक है, तो ये एक टारगेट प्राइस हो सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेकआउट ऑफ 1550, ठीक है ना, सस्टेन करता है। देखिए ब्रेकआउट करना और सस्टेन करना ये दोनों जरूरी है, इसकी कंफर्मेशन होना, इसके आगे ऊपर एक और कैंडल का बनना, ये जब ये जो है शो करता है कि आगे ये आपको ये 20 रुपए का टारगेट दिखा देगा इजीली, ठीक है ना। तो एक टारगेट जो है आपका ये हो सकता है, टारगेट प्राइस जो है 20 रुपए, ठीक है। आप इसके बीच में देखें ना, फिर अगेन ये रेस्टिंग एरिया 1721, ठीक है, यहाँ पे कई दफा देखें यहाँ पे ये वो अगेन ये बना, ठीक है, 1794, बल्कि हम इसको ले लेते हैं एक टारगेट, ये भी ले लेते हैं क्योंकि ये भी काफी यहाँ पे इस पर इसने ये इसको इसको एक नीचे कर लेते हैं, ये एरिया ले लेते हैं, ये एरिया ये वाला इसका, तो 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक ये टारगेट हम ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ये एक और लिख देता हूँ टारगेट प्राइस, ठीक है, 1795 और 2013, तो आप राउंड फिगर में ले लें 18 से 20 रुपए तक ये आपको दिखा सकता है। यहाँ पे देखें काफी दफा रीटेस्ट इसके ऊपर भी गया है 18 रुपए 27 पैसे, हो सकता है एक और वीक बने यहाँ पे, लेकिन काफी यहाँ रेस्ट करता रहा, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करता रहा 1795, फिर यहाँ पर भी आया 17 रुपए 70 पैसे, 18 रुपए, ये यहाँ पे ये काफी इसको रीटेस्ट करता रहा, यहाँ पे रेस्ट करता रहा, ठीक है। अब सपोर्टिंग जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि एक ये वही जिस तरह आप है कि यहाँ पे ये रेस्टिंग एरिया अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन डाउन साइड पे रेस्टिंग एरिया यहाँ पे 1370 यहाँ पे नजर आ रहा है, 14 रुपए से लेके 1370। अब यहाँ पे देखें यहाँ सपोर्ट भी ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत बड़ी कैंडल बनी, फिर ये हो सकता है यहाँ पे आके ये एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं एरिया 14 रुपए से लेके 13 रुपए 71 रुपए के अराउंड, ठीक। तो यहाँ पे
जो है हो सकता है इसका ये डाउन साइड पे रेस्टिंग, ये अपर साइड पे मैंने आपको बताया रेस्टिंग एरिया था, अब यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन या रेस्टिंग एरिया डाउन साइड पे है, तो यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट बनती है, क्योंकि आरएसआई भी देखें तो काफी यहाँ पे 31 पे आ गया, 31 पे आ गया डेली का आरएसआई, तो ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। देखें अब ये कहाँ से चला था, अब आप देखें ये 10 रुपए से चला था, 10 रुपए से लेके ये इसने हाई बनाया, आई थिंक ये 63 रुपए तक गया था ये, मैं अगर वीकली पे दिखा दूं आपको तो बहुत इजीली हम इसको सर्च कर लेंगे। देखें यहाँ पे मैंने एक और भी लाइन बनाई हुई है मजीद अपसाइड ब्रेकआउट की 37 रुपए, तो चले यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं फॉर लॉन्ग टर्म ये लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे ये वाला मैं एरिया बता दूं, ये वाला 3241 पैसे, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो वापिस ये अपना 54 या 55 रुपए और ये जो इसका जो चैनल टॉप है 63 रुपए भी रिटेस्ट कर सकता है, ये एक और ब्रेकआउट एरिया है, ठीक है। लेकिन अभी तो बहुत अभी काफी टाइम है, अब हम डेली पे आ जाते हैं, ठीक है ना, डेली पे हम इसको देख लेते हैं। डेली पे भी मैं आपको ये जिस तरह मैंने वीकली की ट्रेंड लाइन बनाई है तो डेली की भी आपके साथ मैं ट्रेंड लाइन शेयर कर देता हूँ। डेली की भी अगर हम ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से उठाएं, ठीक है ना, यहाँ से इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया था, ये भी एक डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं, लेकिन इतना वो नहीं था, मतलब समझिए इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, ओपनिंग इससे ऊपर हुई थी, ठीक है, ये इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो ये हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, ये डार्क क्लाउड कवर और ये वाला डार्क क्लाउड कवर ये हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इसका जो है ट्रेंड लाइन है, मैं इसको और आगे कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए मजीद और, ठीक है, इसको मैं ये ट्रेंड लाइन को ब्लैक कलर दे रहा हूं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि देखो जी मैंने वो बनाया था डेली पे, सॉरी शॉर्ट ग्राफ पे आवली पे, और डेली पे जो है ये तकरीबन इतना ही बन रहा है 15 रुपए, और 15 रुपए 17 पैसे मैंने इसकी ये लिया था ना टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, जो इसका ये एरिया था 15 रुपए 14 पैसे, ठीक है, तो 15 रुपए 14 पैसे टू बी ऑन द सेफ साइड है, वैसे तो ये एरिया यहीं पर ही बन रहा है इसका ब्रेकआउट जो है डेली का, ठीक है, ठीक है, इसको हम एक तरह से इसको ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है, 15 रुपए 4 पैसे तो हमने ये लिया हुआ है 15 रुपए 14 पैसे से लेके 15 रुपए 47 पैसे तक, ये इसका ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ये यहाँ के जो है एक्यूमुलेशन भी कर सकता है, यहाँ सस्टेन भी कर सकता है, उसको फिर आगे जाके ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस हमें नजर आएगी, ठीक है, तो टेक्निक मैंने थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल अभी देखा था, तो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी सी ग्रोथ आई है, वो फंडामेंटल भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, बाकी इसका फ्री फ्लोट जो है वो खाली 5% है मार्केट में, इसका इतने शेयर्स है ही नहीं, इसकी वजह यही थी कि 10 रुपए का जब ये आया था डाइवर्स्ट किया था ट्रीट कॉर्पोरेशन ने, और अभी भी इसमें आप देखेंगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेटेस्ट भी 15 अक्टूबर को आई थी कि उन्होंने सीईओ डायरेक्टर जो है वो डाइवर्स कर रहे हैं, मतलब इसको निकाल रहे हैं शेयर्स को, क्योंकि ऑफ लोडिंग इसलिए कर रहे हैं कि ये ट्रीट बैटरी से निकल रहा है, क्योंकि पहले ये ट्रीट कॉर्पोरेशन से निकल रहा है, पहले इसकी ये ट्रीट कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी था ट्रीट बैटरी, जो डेवू डेव बैटरी बनाती है, अब ट्रीट बैटरी के नाम से अलग इसकी लिस्टिंग हो गई है, तो अब इसमें जो है डायरेक्टर जो है वो उसमें से ऑफलोडिंग कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, जब ये ऑफलोडिंग होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये बहुत सारे शेयर बिक रहे हैं, तो मार्केट में नहीं है ये शेयर, ऑब्वियसली ये कोई ले रहा है, चेंज ऑफ हैंड हो रहा है, तो इसके भी इंफॉर्मेशन कोई नहीं आ रही है, सिर्फ यही आ रहा है कि ये जो है ऑफलोडिंग हो रही है फ्रॉम ट्रीट कॉर्पोरेशन, ठीक है, उनके डायरेक्टर जो सीईओ जो है वो ऑफलोडिंग कर रहे हैं, सिर्फ अभी तक ये मटेरियल इंफॉर्मेशन आ रही है, किसने लिया है, चेंज ऑन हैंड हुआ है, तो कौन बाय किया, इसके अगेंस्ट में बायर कौन था, तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर ये पता चल जाएगा तो कोई किसी ना किसी ने ऑब्वियसली कोई बिग प्लेयर है इसने बाय किया है, तो इसमें फिर इंशाल्लाह हम अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। बहरहाल अभी इसको रिजल्ट देखें तो देखें ये क्वार्टरली अर्निंग जो है 70 पैसे आई है, इससे पहले जो है मैंने आपको बता दूं वीकली पे आ जाए तो आपको मैं इसका बता दूं, ठीक है, इसकी जो क्वार्टर की पहले से जो अर्निंग थी, बल्कि अर्निंग थी नहीं लॉस था, 5 पैसे का लॉस था, ठीक है, वो 5 पैसे का लॉस जो है वो 70 पैसे अर्निंग में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 75 पैसे इसकी इस क्वार्टर में अर्निंग आई है, अगर इसी तरह ये स्टेडी जो है ग्रोथ रहती है तो जैसे 70 पैसे अगर हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे 50 पैसे भी अर्निंग आ गई तो तकरीबन 125 रुपए अर्निंग आ जाएगी, तो फिर इसमें हम अच्छी मूवमेंट
आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बाकी बहुत सी सोशल मीडिया पे जो है इसकी रूमर्स भी हैं कि किया मोटर्स जो है जो और शांगांग मोटर्स है जो है वो डेवू बैटरी यूज कर रहे हैं, और वैसे भी लो मेंटेनेंस बैटरी है और काफी इसकी जो है मार्केटिंग भी अच्छी हुई है और सेल्स का भी अभी पता चल रहा है सेल्स अच्छी हुई है, लेकिन इसके कुछ लॉसेज जो है वो मेरे ख्याल से शायद जो उसने मार्केटिंग में जो अपना पैसा खर्च किया है उसकी वजह से आया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे हम कहते हैं ना, तो उसमें कुछ मार्केटिंग भी जो है उसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उसने एग्रेसिवली मार्केटिंग की है क्योंकि नई प्रोडक्ट थी और कॉम्पिटिटर्स बहुत थे, आपका एक्साइट है, AGS है और भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इम्पोर्ट करती हैं, ओसाका वगैरह, फीनिक्स है, चाइना की बहुत सी बैटरी, इनको कॉम्पीट करना पड़ता है। तो मार्केटिंग में इसने अच्छा खासा पैसा जो है ना अपना उसने पुटअप किया है। तो अब जो है ऐसी बात है उसका उसको रिजल्ट भी मिला है, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह होपफुली इसमें हम अच्छा गेन दे सकते हैं। तो टेक्निकली मैंने आपके साथ थोड़ा सा एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ इसका टेक्निकल शेयर कर दूं तो ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये आप ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने रिस्क लेना होता है क्योंकि यहाँ से देखिए इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, तो हो सकता है यहाँ से ये मजीद अपसाइड जा सकता है, लेकिन वैसे भी ये लोअर साइड पे है, अगर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहें तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं, आगे जाके इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। और वैसे भी इसकी जो फ्री फ्लोट है खाली 5% है, तो इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा ही फ्री फ्लोट है, अगर वो ये कॉर्नर हो जाएगा तो जिस तरह ये हालांकि स्पेल जो था वो भी चला 8 रुपए तक आया था और इसके बाद जो इसने देखे 56 रुपए भी दिखाया ऊपर जाके, तो हालांकि उसकी जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए की है स्पेल की सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है, और इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो इसमें अब इस प्राइस पे जो है थोड़ा सा एक्यूमिल मेरे ख्याल से थोड़ा सा लिया जा सकता है इस रेट पे, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये 14 रुपए के अराउंड जो है वहाँ पे चेंज ऑफ हैंड होता है, वहाँ पे कोई सेल कर रहा होता है कोई बाय भी कर रहा होता है। तो इसी को देखते हुए देखें अभी अभी वीक क्लोज नहीं हुआ है, तो देखें अगर अगर आज नहीं बाय करें कोई मसला नहीं है, वीक की क्लोजिंग देख लें, वीक की क्लोजिंग कहाँ आती है, क्योंकि आज थर्सडे है कल फ्राइडे है, देखें इसमें मूवमेंट कहाँ तक जाती है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग वीक की कैंडल बनती है तो थोड़ा वेट कर ले नीचे और मजीद डाउन साइड के लिए, देखें कहाँ तक आ सकता, हो सकता है ये वाला जो गैप है उसको भी फील कर रहे हैं क्योंकि ये आखिरी गैप था उसके बाद जो यहाँ से हमने मूवमेंट देखी थी अपसाइड एग्रेसिवली, तो ये इसका जो गैप था वो 16-16 पे या 16-19 पे ये गैप फिल भी हो जाएगा, नीचे भी आया है, तो इसके तकरीबन समझे इतनी बड़ी बुलिश कैंडल वीक की बनी है उसका हाफ जो है वो कवर कर चुका है, हो सकता है ये इसका बॉटम हो पॉसिबल 12 रुपए या फिर इसको फिल करें यहाँ पे कोई वीक बन जाए। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ से आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालें और इसको वॉच करते रहें और हो सकता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं 14 रुपए के अराउंड, और बाकी जो है ये जो मैंने आपको बताया एरिया अगर ये यहाँ बॉटम लगाता है 12 रुपए और 11 रुपए के अराउंड तो ये एक अच्छा एरिया है for accumulation. That's all for now. Take care. Good luck and Allah Hafiz.